राधा इट्स 4v3v2v2। हाँ तो काफी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है यहाँ पे। आईएनडी के पास मैन एडवांटेज है, एनडी के पास मोटिवेशन एडवांटेज है, कॉन्फिडेंस एडवांटेज है, दे जस्ट नीड टू गो। बट एक बात ओशन, आई एम सुपर इम्प्रेस द वे क्रॉन्टेंगे टीम ने खेला है, जिस तरह से क्रॉन्टेंगे अपने टीम को फ्रंट से लीड किया है, उसको प्यारा कवर मिला, ही डिड अ ग्रेट जॉब। एंड डार्क का सोमराज को पिक ऑफ करने के लिए बहुत ही शानदार स्प्रे, बट इंस्टेंटली गेट्स पनिश्ड बाय गमला बॉय। Well, M249 used to be a poetry of 100 bullets. अब ये स्टोरी बन रही है क्योंकि 150 गोलियां इसमें आती है धीरे धीरे। उन सबके बाद अब देखिए क्रेटोस यहाँ पर ग्रेनेड्स काफी अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते नजर आ रहे हैं। इनको कहीं दलजीत के पास पहुंचना ताकि ये ऑफ एंगल्स देख सके, बट वहीं पर स्नैक को डाउन किया जाएगा और दलजीत एक अच्छा ट्रेड लेगा क्रॉन्टन का और सीधा फिनिश करेंगे, कोई समय नहीं गवाएंगे। और दलजीत धीरे धीरे आगे मूव करें, बैकपैक अपना रिमूव कर चुके, लेवल 3 वेस्ट इनका जो प्रॉपरली फाइन है, लेकिन जो हेलमेट है वो आधे से ज्यादा यहाँ पर डैमेज किया जा चुका है। आतंकी भी हल्का आगे मूव करने की कोशिश कर रहे हैं, सांग वन इज ऑन टू द बैक साइड और वो कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं अगर वो भी अच्छे पिक्स निकाल सके। उनके पास एक एयर ड्रॉप का कवर है जो उनको हेल्प कर रहा है अभी के लिए। राइट है, यहाँ पे सांगवान और डार्क बिल्कुल तैनात है। देखिए टीम आईएनडी के सामने हमने बहुत बार देखा है कि कभी कभी ऐसे फेवर में निकल जाता है, वही होते हुए डार्क ने आतंकी को पिक ऑफ किया, स्नैक्स भी चार्ज स्पॉटेड एंड डार्क ने क्रेटोस को भी लिया अपने M249 के ऑन अ रोल। बट स्नैक्स डिड अ वेरी स्मार्ट जॉब, वहां पे नेड यूज किया क्योंकि लोकेट नहीं कर पा रहे थे एंड इंस्टेंटली डार्क को फिनिश ऑफ भी करेंगे। सांगवान अकेले बचते हुए डाउन टू 2v2v1। यहाँ पे obviously INDI has an advantage, but I think ये advantage को ज़्यादा देर तक रख नहीं पाएंगे, because they will eventually won't be able to go for the revive. But look at that molotov, क्या शानदार molotov वहाँ पे दलजीत के तरफ से सांगवान को spot करते हुए, and सांगवान काफी damage, I think he'll go for the heal because smoke का cover है उनके पास। दलजीत अच्छे तरीके से सप्रेस कर रहे हैं अपने ओपोनेंट्स को और वो चीज करते हुए वो काफी ज्यादा बेहतरी यहाँ पर दिखा रहे हैं। सांगवान एक एचपी पर बचे, इज लिटरली सर्वाइविंग ऑन वन पिक्सल राइट नाउ, वन मिस्टेक एंड यस ही विल बी टेकन डाउन। दलजीत के बाद अपन तीसरा फिनिश आता है और अब ये आ चुके फ्रंट की टीम से फाइट करने के लिए। रायन को सामने की तरफ नीचे का बिल्कुल डाउन किया जा चुका है। दलजीत वेल नोवा किंग और इनके बीच में अभी के लिए ये पूरा एक पत्थर है जिसका एक कवर बना रहे हो, क्रेटोस को रिवाइव कर रहे हैं, लेकिन वो जो 15 points है वो 15 points नोवा किंग लेकर के जाएंगे क्या? क्या वो यहाँ पर हमें एक 1v4 करते नजर आ सकते हैं या फिर INDI काफी बेहतरीन तरीके से चिकन डिनर निकालेंगे? देयर इट इज द फर्स्ट एवर विनर विनर चिकन डिनर कमिंग अप फॉर टीम स्नैक।